हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीवन जीने के लिए जरूरी होता है भोजन का करना, और भोजन को करने के लिए जरूरी होता है आपके दांत का सुदृढ़ होना। बहुत से लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इलाज होने के बाद भी, अच्छे टेक्निक्स आ चुके हैं दांतों को सेव करने के, उसके बाद भी वो अपने दांतों को खो देते हैं। बहुत सा कारण होता है कि प्रॉपर डेंटिस्ट के पास ना जाने से, या बहुत लापरवाही कर गए, जब गए डेंटिस्ट के पास, अब डेंटिस्ट के अभी हाथ में नहीं बचा कि दांत का एक्सट्रैक्शन यानी निकालने के अलावा उनके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो दांत निकाल दिए गए। या एक कारण ये भी होता है कि लोग क्वैक्स के पास या गलत जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनके दांत निकाल दिए जाते हैं। और दांत का खोना बहुत दुखदायी होता है और कष्टदायक होता है जब आप अपना दांत समय के पहले खो देते हैं, फिर खाने में दिक्कत होने लगती है। तो हालांकि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, और अगर दांत खो गए हैं तो इम्प्लांट के सपोर्ट से डेंचर लग जाते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं और खाने में बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल नेचुरल टूथ की वजह से आप सब कुछ उनसे खा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी का, बहुत लोगों का बजट उतना नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकते इम्प्लांट, तो वैसे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है कंप्लीट डेंचर यानी बत्तीसी। बत्तीसी एक तरह से पूरे दांतों का सेट होता है जो पहन लेते हैं निकालने पहनने वाले होते हैं। लेकिन इसको बनने में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंटिस्ट जब बना रहे तो ना ही बॉर्डर्स जो है डेंचर के ओवर एक्सटेंडेड होने चाहिए, ना ही कहीं शॉर्ट होने चाहिए, सील बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेंचर का, रिटेंशन, स्टेबिलिटी और सपोर्ट। रिटेंशन आपका दांत, बत्तीसी आपके मसल्स से, जबड़े में जो बोन है और टिश्यू है उनसे अच्छे से प्रॉपर चिपका हुआ होना चाहिए, बिना किसी एडहेसिव के या बिना किसी सक्शन यानी वॉल लगा होता है। कभी कभी देखा आपने, बहुत लोग डेंचर में एक वॉल लगाए रहते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं होता, हमेशा वो नुकसान करता है, अल्सर करता है, और कभी कभी लगातार अल्सर हो रहा है तो उससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है, और बहुत से केसेस में कैंसर भी कॉज कर रहा है। या अक्सर क्या होता है कि पैलेट की हड्डी बहुत पतली होती है और लंबे समय तक इरिटेट करते करते वहाँ पे बोन घिस जाती है, तो एक नाक और मुंह के बीच का एक बहुत पतली पैलेट की बोन होती है वो टूट जाती है, तो ओरो एंड्रम फिस्चुला बन जाता है, मतलब कम्युनिकेट कर जाता है, तो फिर आदमी मुंह से पानी पी रहा है तो नाक से निकल के आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो जो वॉल वाले डेंचर लोग पहन रहे होते हैं, तो हालांकि उसको तो डेंटिस्ट नहीं बनाते, क्वैक्स हैं, कुछ रोड साइड डेंटिस्ट्री करते हैं वो लोग बना रहे हैं उसको। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर एक डेंचर बनाए बिना इम्प्लांट के सपोर्ट के, तो वो मुंह में कैसा होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए। हालांकि एक डेंचर बनाया गया तो उस समय आपके डॉक्टर ने अगर दिया और आपका वो तभी से लूज है तो फिर कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन आपने डेंचर बनाया गया उस समय आपका टाइट था, 2-3 साल कुछ सालों के बाद वो ढीला पड़ रहा है, तो हो सकता है कि जैसे श्रिंकेज एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी के साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसूड़े क्या होते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, जब मसूड़े श्रिंक कर जाते हैं तो साइज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो फिर क्या, डेंचर थोड़ा लूज हो जाता है। तो आपको वो डेंचर ख़राब नहीं होता, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उस वो रिलाइनिंग करके या रिवेजिंग करके आप डेंटिस्ट से मिलेंगे तो वो सही हो जाते हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर एक नया डेंचर बना तो उसका रिटेंशन, स्टेबिलिटी और सपोर्ट किस तरह से होना चाहिए, कितना टाइट वो मुंह में रहना चाहिए। अगर इतना भी टाइट नहीं है, इससे थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा, पर मैं दिखाता हूँ आइडियली अगर मैं डेंचर डिलीवर कर रहा हूँ तो कितना टाइट कोशिश होती है कि मेरी रहे, पर इस पर डिपेंड करता है कि बोन की कंडीशन कैसी है। अगर बिल्कुल रिजॉल्व भी हो गया है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर उतने टाइट नहीं होते हैं, फिर एडहेसिव लगाना पड़ता है, सॉफ्ट लाइनर का यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सॉफ्ट लाइनर वाले डेंचर। अगर किसी को सॉल्टर गम्स हैं तो लगाए जाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ, आइए इन्जॉय। और यूँ दबाना है, यहाँ होंठ के पीछे यहाँ से ले जाके ऐसे दबाना है आपको, एक बार दो बार हैं, फिर मुंह बंद करें, जब चबाना है दोनों तरफ से एक साथ दबा दीजिए, दबाइए, ठीक, खोले मुंह,
हैं।